Hello everyone, my name is Abhishek, और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से चैनल पे जिसका नाम है Insights on Physics. तो ये है हमारा वीडियो वीडियो नंबर और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजिशन वैक्टर भी हम कह सकते हैं नेक्स्ट इज अवर वेलॉसिटी वेक्टर नेक्स्ट इज मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज कंस्टेंट टू प्रोजेक्टेल मोशन तो ये सभी पैरामीटर्स हमको प्रोजेक्ट मोशन में बढ़ना है पिछले इसमें हमने इक्वेशन ऑफ 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 देखा देखा था देखा था टाइम टाइम पीरियड फ्लाइट फ्लाइट भी हम बोल सकते हैं उसके बाद हमने देखा था रेंज देखा था और उसके बाद देखा था हाइट पिछला वीडियो काफी लेंदी था ये भी शायद से थोड़ा लेंदी हो ही सकता है क्योंकि उतने पैरामीटर्स हमको कवर यहाँ पे करने पड़ेंगे तो जल्दी से बढ़िया नाश्ता वाश्ता की प्लेट लेके बैठिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट स्टार्ट विदुज टॉपिक ऑफ पैरामीटर्स ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन तो भाई साहब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि वॉट इज हाउ इज प्रोजेक्टाइल मोशन तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस वही पुरानी घिसी पीटी बातें ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस और टू टू चुक दिस इज अवर प्रोजेक्टाइल ठीक है अब देखो भाई साहब यहाँ पे है वेलोसिटी ये एंगल हो गया थीटा इसके बनेंगे दो कंपोनेंट्स एक बनेगा थीटा थीटा एक बनेगा यू थीटा। सही बात है अब मुझे बताइए कि किस डायरेक्शन में जो मोशन है बेटा कौन से डायरेक्शन डायरेक्शन में में तो एक्स डायरेक्शन की जो मोशन है ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन कैसे लिखेंगे अपन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्योंकि इधर कोई एसिलेशन है ही नहीं देर इज नो एसिलेशन एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन तो इधर लगेंगे सिंपल इक्वेशन और जो वाई डायरेक्शन वाले मोशन है यहाँ पे ये यह हमने पिछली वीडियो में ही बहुत डिटेल में देख लिया था कि वाई डायरेक्शन वाले जो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में जो मोशन है वो है यूनिफॉर्म एसिलरेशन कैसे है बेटा यूनिफॉर्म एसिलरेशन अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एसिलरेशन ये तो डिफाइंड हो गया अभी सर ये बताइए कि वॉट इज द पोजिशन वेक्टर अब पोजिशन वेक्टर क्या अब वेक्टर ड्रॉन कहा से ड्रॉ करने वाले हम वेक्टर वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजिशन ऑफ पार्टिकल ऑन द ट्रेजेक्टरी तो जैसे मान लो ये है हमारा कोई पॉइंट पी ये क्या है हमारा कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ तो रहेगा बेटा एक्स कमा तो ये पॉइंट पी का कुछ कोऑर्डिनेट यहाँ पे रहेगा एक्स और यही इसका रहेगा कुछ कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा वाई रहेगा एक रहेगा एक्स एक रहेगा वाई तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कि पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या लिखेंगे अपन पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी पी बार लिख देते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स आई प्लस क्या लिखेंगे भाई सब य, जे अरे पोजिशन वेक्टर मतलब क्या अ टू द लोकेशन ऑफ पार्टिकल मतलब जो ओ -पी है बेटा पोजिशन वेक्टर खत्म अब मान लो आफ्टर टाइम टी कितना सर आफ्टर टाइम टी पार्टिकल पॉइंट पी पे आया तो पार्टिकल ने टाइम टी में एक्स कोऑर्डिनेट कितना कवर किया

तो एस क्या है बेटा यहाँ पे हमारा वाई है या फिर लिख तो पे सीधा सीधा S. Equations लगेंगे ना और हमको क्या निकालना है निकालना है इन वाई डायरेक्शन तो एस क्या हो जाएगा हमारा बेटा यहाँ पे वाई हो जाएगा तो लिख दो यहाँ पे वाई वॉट इज यू इट इज इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन लिखेंगे प्लस लिख वैसे हाफ वैसे वसेशन ऊपर में एसलेसन क्या है सर अरे सर ये तो माइनस जी है

कोई कोई बुक में यहाँ पे ऐसा भी लिखा होगा क्या u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा t प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा t माइनस 1/2 g d स्क्वायर है ना ये x स्क्वायर मतलब u cos थीटा d का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब ये पूरा टर्म का स्क्वायर तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा ठीक है इस तरह से भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी हैंडिंग परफेक्ट आ रही है और विजिबल है या नहीं है ठीक है चलिए तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस पोजिशन वेक्टर ऑफ अ ऑब्जेक्ट कौन सा वेक्टर हो गया बेटा ये इंस्टेंटेनियस पोजिशन वेक्टर चलिए अभी हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर कौन सा बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर मैं तो बोलता हूं इसको अपन नाम दे देते दे फिलहाल का ए पॉइंट ठीक है नाउ वी विल स्टडी बी पॉइंट दैट इज इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी

तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी है यहां पे देखिए हॉरिजेंटल क्या रहेगा वेलोसिटी का वो तो सर कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि लिख देंगे यू वाई वन नहीं बोल सकते अपने यहाँ तो इसको बोल दिया है ना तो कंसिडर कर लेते हैं यू वाई वन इज दी आफ्टर टाइम टी वर्टिकल वेलोसिटी

वी स्क्वेयर इज इक्व टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस इस्तेमाल करो मैं दोनों तरीके से आपको निकाल के दिखाता हूं देखो जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वी इज इक्व टू यू प्लस ए टी अभी हम लगा रहे ओनली वाई डायरेक्शन में ओनली वाई डायरेक्शन में ओनली वाई डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमको वॉट इज फाइनल वेलोसिटी वही तो हमको निकालना है सर यू वाई वन वॉट इज इनिशियल वेलोसिटी बेटा इट इज यू साइन थीटा बराबर है वॉट इज ए ए हो जाएगा आपका माइनस जी क्यू क्योंकि ऊपर जा रहे हैं और टाइम कितना है बेटा टी तो ये हो जाएगा u वाई वन हो जाएगा मेरा u साइन थीटा माइनस क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे जी टी सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर क्या कहने लगा इट इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस लिखेंगे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जे कैप सो वॉट इज वी बार फाइनल वी बार क्या हो जाएगा मेरा ये u cos थीटा ऑफ i कैप प्लस लिख देंगे यहाँ पे क्या सर u साइन थीटा माइनस जी टी ऑफ जे कैब तो ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी वेक्टर अब इसका मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालूंगा मॉड ऑफ वी बार क्या लिखूंगा बेटा अंडर रूट ऑफ वी एक्सर प्लस वी वाई स्क्र वी एक्सर प्लस टू डायमें तो वी एक्सक्र तो मतलब क्या सर यू स्क्वायर थीटा प्लस प्लस लंबा चौड़ा जाएगा ये लिखेंगे u साइन थीटा माइनस लिखेंगे जेटी का होल स्क्वायर माइनस जीटी का होल स्क्वायर चलो सॉल्व करेंगे अभी मैं v बार मॉडर्न लिखता हूं सिर्फ v लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पे दिस विल बी अगेन वही u स्क्वायर cos स्क्वायर आप मेरे साथ-साथ लिख भी सकते हो है ना लिखेंगे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और बोल भी सकते हो है ना चाहे रूम में कोई हो या ना हो क्या हो जाएगा माइनस 2 gt u sin थीटा है ना -2 से भी a स्क्वायर -2 into a into b तो -2 into a into b प्लस क्या लिख देंगे बस यहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे बी स्क्वायर तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर खत्म देखो गौर से कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ सिंपलीफाई कर सकते हैं हाँ बिल्कुल सर कर सकते हैं देखिए यू थीटा थी स्क्र कॉमन निकाल लो so, सो वॉट इज कॉस्क्वेयर थे थीटा प्लस थीटा इट इज वन तो सिंपली मैं लिखूंगा यहाँ पे यू स्क्र प्लस प्लस नहीं सर माइनस लिखना पड़ेगा है ना क्या आएगा यहाँ पे माइनस माइनस टू जी टी क्या लिख देंगे यहाँ पे टू जी टी यू साइन थीटा

तो अभी इसका वेक्टर क्या हो जाएगा देखो वेलोसिटी वेक्टर इसका वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा बेटा यहाँ पे वेलोसिटी मतलब, तो मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो वी एक्स आई कैप प्लस वीवाई जे कैप तो ये प्लस क्या लिखेंगे यहां जाएगा बेटा ये हो जाएगा मेरा थीटा आई कैप प्लस प्लस वॉट इज वी वाई देखो वी वाई इट इज अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे इट इज अंडर रूट ऑफ u थीटा sin टू जी वाई 2gy टू जी वाई जे तो ये हो जाएगा बेटा मेरा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इन द टर्म्स ऑफ हाइट क्या यहां पे नीचे थोड़ी सी स्पेस है यस yes, थोड़ी सी स्पेस है तो हम यहां पे वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिखी देते हैं सो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब हो जाएगा वी गोस टू अंडर रुट ऑफ क्या लिखेंगे बेटा यहां पे देखो अगेन यू स्क्वेयर कॉस स्क्र थीटा क्यों सर

ये हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब वाई कोऑर्डिनेट दिया रहा तो ये और समय दिया रहा तो फिर कौन सा वाला ये ये हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा इसके टर्म्स में इसका मैग्नीट्यूड एक बार देख लेते हैं क्या विजिबल है सभी चीजें ओके बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर ठीक है तो नेक्स्ट लिखेंगे अभी अपन बेटा ये तो हो गया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब पोजिशन वेक्टर बोल सकते अपन और ये हो गया वेक्टर अब दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था हमारा कि इज द एंगल मेड बाय द पोजिशन एक्सिस एंगल मेड बाय द पोजिशन वेक्टर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो भी चेंज हो गया ना हर घड़ी देखो ना कि जैसे मान लो पोजिशन वेक्टर ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट समझो तो यहाँ पे देखो एंगल कुछ अलग हो जाएगा अभी कुछ अलग हो जाएगा तो हर घड़ी जो हमारा पोजिशन वेक्टर जिससे मान लो पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट क्यू तो यहाँ का इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स एक्सेस क्या है बेटा अलग है सो इट विल ऑलवेज चेंज विध रिस्पेक्ट टू तो एक्स एक्सेस तो चलो वो भी निकाल लेते हैं तो आप यहां से निकाल सकते हो कैसे टेन बाय पोजिशन वेक्टर तो विध रिस्पेक्ट टू ऑबली एक्स ही रहेगा तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे टैन थीटा थीटा नहीं लिखते थीटा तो एंगल ऑफ पोजिशन हो गया तो लिखेंगे टेन फाइव

माइनस लिख देंगे होल अपॉन बेटा क्या है देखो थीटा तो लिखेंगे पे कोई -कोई ऐसा भी लिखा होगा मतलब 5, ये टर्म. या फिर कोई कोई बुक में ऐसा भी लिखा होगा देखो टेन फाइव विल बी रिजोल्विंग मतलब सेपरेटिंग द न्यूमेटर है ना

देखो, जब हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा हमारा एंगल क्या हो जाएगा पोजिशन वेक्टर का 0 तो देखो, कर लेते टाइम इंस्टेंट क्या हो जाएगा इक्वल टू टी अब ती मतलब क्या बेटा टू यू साइन थीटा बाई जी तो देखो पुट करो यहाँ पे टी के जगह क्या लिखेंगे अपन टू यू तो टू यू से टू यू कैंसिल

वैसे ही हमको ये भी पूछ सकते हैं कि वॉट इज द एंगल मेड बाय द दी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना तो चलो वो भी निकाल लेते हैं ये हो जाएगा हमारा ए बी सी और ये हो जाएगा हमारा डी पॉइंट अभी फिलहाल अपन इसको मिटा 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 देते फास्ट में खुचु, मिटा दो मिटा दो जल्दी से ठीक है ये भी थोड़ा मिटा देते हैं नई डायग्राम बना देता हूं कीचड़ मिचड़ हो गया पूरा ठीक है देखो भाई साहब जैसे मान लो कि ये प्रोजेक्टर हो गया हमारा वापस से वही टुई टू चुक और हमें इस पॉइंट पे वेलॉसिटी निकलना है तो इस पॉइंट की ये वाली वेलासिटी कितनी है हमारी बोलो u cos थीटा और ये पॉइंट की ऊपर वाली वेलॉसिटी कितनी है u y1 जो हमने कहा था बराबर है ये जगह हमारा इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगा हमारे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिस टू 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 बी 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 एक्सिस एक्सिस एंड दिस दिस ओरिजिन क्लियर है अब देखो जो वेलोसिटी है वेलोसिटी उसका ये कंपोनेंट तो वही है बेटा ये कंपोनेंट वही है जैसे मान लो मैं यहाँ पे यह, यहाँ की बात कर लेता हूँ यहाँ की बात कर लेता हूँ ठीक है तो ये हो जाएगा मेरा यूआई और ये हो जाएगा मेरा UX, तो यूएसिटी इस तरह से लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ये तो वही रह रहा है लेकिन एक्सिस तो क्या क्या कम, -कम, कम कम होते जा रहा है देखो ना रिजल्टिटी एंगल कम कम होते जा और वापस से बड़ा और वापस उतना हो गया एक्स एक्सिस जितना पहले था तो हर घड़ी क्या हो रहा है बेटा यू थीटा क्या बेटा u cos थीटा तो वही है मेरा horizontal component of velocity वही है लेकिन यहाँ पे पहला कितना था u sin वर्टिकल वेलोसिटी और बाद में कुछ तो भी हो जाएगा u u sin sin ये हमने निकाला था ना अभी हो जाएगा बेटा कुछ समय पश्चात तो देखो ऑब्वियसली एंगल कम कम होते जा रहे हैं एंगल क्या होते जा रहे हैं कम कम होते जा रहे हैं तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि अगर ये मेरा का वेक्टर है सो व्हाट इज टैन मतलब क्या यू वाई वन अपॉन एडजेसेंट मतलब क्या बेटा यू एक्स तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि टेन थीटा टेन tan phi लिख देते अब phi ही नहीं लिखते क्योंकि phi तो पोजिशन वेक्टर के लिए हो गया तो कुछ अल्फा लिख देते बेटा क्या लिख देते अल्फा सो so, tan अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेलॉसिटी एट दैट इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे देखो tan अल्फा इज U Y वन अपॉन क्या लिखेंगे बेटा U X U Y वन अपॉन क्या लिखेंगे U X सो व्हाट विल बी tan अल्फा देखो यहाँ पे

तो देखो यहां पे भी वही डिफाइन हो रहा है सो वॉट इज टेन अल्फा टेन थीटा अब देखो वेलोसिटी वेक्टर पे वही डिफाइन हो रहा है कि इनिशियल जब टाइम था था तब अल्फा क्या थीटा तो अल्फा क्या है थीटा इनिशियली लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये फैक्टर बढ़ता जाएगा क्योंकि समय बढ़ता जाएगा तो ये फैक्टर बढ़ता जाएगा ये फैक्टर बढ़ता जाएगा तो ये फैक्टर घटता जाएगा, तो जाएगा ये फैक्टर घटता जाएगा तो टेन अल्फा की वैल्यू घटती जाएंगी टेन अल्फा की वैल्यू घटती अल्फा की वैल्यू कम 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 हो रही है

लिखेंगे बेटा यू कॉस अल्फा सो थीटा जी से जी कैंसिल साइन बाय हो जाएगा टेन टेन थीटा क्या हो जाएगा टेन अल्फा जीरो मतलब अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा जाएगा? जीरो जाएगा जब हमारा टी कितना हो जाएगा बेटा पूरा प्रोजेक्टाइल पूरा मोशन कंप्लीट कर देगा तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इकुलस तू, इकुलस तू, इकुलस तू, यू

जीटी बाई जीटी तो ये हो जाएगा जी और टी क्या है बेटा टू यू साइन थीटा बाय क्या लिख देंगे जी अपॉन नीचे क्या लिखेंगे देखो अपॉन नीचे लिखेंगे यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा तो देखो जी से जी कैंसल यू से यू कैंसल साइन बाय कॉस हो जाएगा टेन तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इज यू टू टेन थीटा माइनस टू टेन थीटा तो व्हाट इज टेन अल्फा बेटा टेन अल्फा हो जाएगा माइनस टेन थीटा माइनस थीटा मतलब क्या बेटा कि एंगल थीटा टू अल्फा ही है लेकिन एंगल अभी पॉजिटिव यहां पे जो हमारा थीटा था विद रिस्पेक्ट टू एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज था मतलब पॉजिटिव था और यहां रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या है तो हर चीज फिट बैठती है अगर आपका लॉजिक सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ रहा है तो ए बी सी और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर कौन सा था डी दैट इज द एंगल मेड बाय द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स एक पॉइंट आप यहां से लिख सकते हो क्या भाई साहब की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है है ना वो कम 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 होते जाएंगे यहां पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा

एंगल मेड बाय द वेक्टर एंगल मेड बाय द बायनियस वेक्टर ज्यादा चकरा गए क्या नहीं ना टेंशन ना लो थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखो इसको जम जाएगा चलिए ऐसे अपन पढ़ लेते ए बी सी डी अभी ई e और एफ पॉइंट मोमेंटम और बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला पॉइंट चलिए तो अभी मोमेंटम वेक्टर मतलब क्या नेक्स्ट पढ़ने वाले अपन पॉइंट ए दैट इज इंस्टेंटेनियस मोमेंटम वेक्टर इंस्टेंटेनियस मोमेंटम अब ये कुछ नहीं है अगर आपको आता होगा, तो मोमेंटम हो जाएगा अरे मोमेंटम क्या है, अब जैसे देखो, हम करते है से, तो पी को हम लिखेंगे bar, क्या है हमारा? क्या है mass, scalar, तो मिल जाएगा मोमेंटम

तो इसे मान लो टाइम दिया कि इतने समय बाद पार्टिकल पॉइंट पी पे आ गया तो फिर ये नो इतना ये जो हाइट दिया है आपका पॉइंट पी का हाइट दिया है वाई दिया है तो फिर इक्वेशन क्या बनेंगे बेटा वही यू कॉस थीटा क्या लिखेंगे कैप प्लस क्या लिखेंगे भी? वी था हमारा अंडर रूट ऑफ क्या था बोलो यू स्क्र साइन स्क्वे थीटा माइनस टू जी वाई जे तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ टाइम ये हो गया इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस वाई डिस्टेंस खत्म अब इसी वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई बाई मास कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा मोमेंटम वेक्टर तो मोमेंटम वेक्टर क्या हो जाएगा यहां पे मैं लिख सकता हूं एम यू थीटा आई कैप प्लस लिखेंगे यहां पे एम यू साइन थीटा माइनस एम जी टी जे कैप या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एम है ना यू कॉस थेटा यू थीटा आई कैप प्लस एम इन ब्रैकेट लिखेंगे u साइन थे टी ऑफ जे कैप ये भी सत्या है ऐसा लिखने की वजह आप m कॉमन निकाल के भी लिख सकते हो है ना कि जैसे क्या है हमारा v बार u cos थीटा i कैप प्लस लिखेंगे यहां पे u साइन थीटा माइनस लिखेंगे जीटी ऑफ जे कैप एक ही बात है बस अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है कुछ नहीं उसी तरह से ये वेक्टर भी क्या लिख देंगे अपन इन टर्म्स ऑफ ये ये वेक्टर हो जाएगा हमारा देखो एम इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे बेटा वही वापस से क्या U cos थेटा i कैप प्लस अंडर रूट ऑफ U स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस टू जी वाई रेल गाड़ी रेल गाड़ी झुक 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 आगे वाला डब्बा बोले रुक 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 रेलवे जा रही है यहां से ठीक है क्लियर है सिंह यहां तक तो ये हो जाएगा हमारे मोमेंटम वेक्टर्स अब हमको निकालना है सर वॉट इज चेंज इन मोमेंटम क्या निकालना है सर चेंज इन मोमेंटम वेक्टर ई एफ पॉइंट तो चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम चलो तीन पॉइंट्स प्रिस्क्राइब कर लेते हैं और वहीं पे निकाल लेते हैं चेंज इन मोमेंटम पहले निकालेंगे अपन पॉइंट ओ के लिए निकालेंगे बेटा चेंज इन मोमेंटम बाद में निकालेंगे अपन पॉइंट ए के लिए निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम और बाद में निकालते हैं बेटा पॉइंट बी के लिए निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम तीन पॉइंट्स का निकाल लेते ठीक है अब देखो वॉट विल बी द मोमेंटम एट पॉइंट ए तो लिख दूंगा यहां पे पी ए बार क्या हो जाएगा देखो एम इन टू वॉट इज यहां तो लिख दो सीधा सीधा एम इन ब्रैकेट लिखेंगे यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम लिखेंगे यू साइन थीटा जे कैप तो बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा मोमेंटम वेक्टर एट पॉइंट ए इसको मैं लिख सकता हूं एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस लिखेंगे एम यू साइन थेटा टाइम जे कैप खत्म दिस इज मोमेंटम वेक्टर एट पॉइंट ए नेक्स्ट व्हाट इज मोमेंटम ई वा ए हो गया क्या मां माता जी गलत हो गया पे लिखने का पड़ेगा मोमेंटम एट पॉइंट ओ मैं पॉइंट ए पर पकड़ बैठा ये ओ का है बेटा इस पॉइंट का ए पॉइंट का निकालते तो व्हाट इज मोमेंटम एट पॉइंट ए अगेन मास इनटू वेलोसिटी तो मास वेलोसिटी पॉइंट ए पे इट इज थीटा तो रहेगा ही रहेगा आई कैप पर यू साइन थीटा नहीं रहेगा वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है पॉइंट ए पे सो बेसिकली व्हाट इज मोमेंटम एट पॉइंट ए बेटा इट इज एम थीटा आई कैप खत्म सिमिलरली एट पॉइंट बी देखो बी बी पे कौन से कम्पोनेट बेटा वेलोसिटी के एक है कंपोनेंट थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा लेकिन वो है नीचे तो कैसे लिखेंगे देखो मोमेंटम एट पॉइंट बी इट इज इक्वल टू एम इन टू क्या लिखेंगे बेटा यहां पे देखो u cos थीटा i कैप माइनस माइनस क्यों लिखूंगा पता है क्योंकि नीचे है माइनस लिखेंगे फिर प्लस लिख दो m व्हाट इज वेलोसिटी एट दिस पॉइंट u sin थीटा लेकिन कहा ऊपर है क्या नहीं नीचे तो लिखूंगा माइनस u sin थीटा j कैप तो बेसिकली ऐसे में लिख सकता हूं मैं कि मोमेंटम एट पॉइंट बी क्या है बेटा इट इज एम यू कॉस थीटा आई कैप

एट ए एमयू थीटा क्या है एम यू थीटा आई कैप माइनस व्हाट इज ओ मोमेंटम एट ओ क्या लिखेंगे माइनस एमयू थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप खत्म क्या आंसर आ रहा है बेटा चेंज इन मोमेंटम का एम यू थीटा आई कैप माइनस एमयू कॉस्ट आई कैप खुद खुद खुचक क्या बच गया सिर्फ माइनस एम यू माइनस म्यू साइन थीटा जेक म्यू साइन थीटा जेक खत्म वैसे निकालेगी चेंज इन मोमेंटम अब कौन से दो पॉइंट्स का निकालते हैं बेटा चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू पॉइंट्स ए और बी ए और बी तो ए और बी मतलब फाइनल मोमेंटम हो जाएगा बेटा बी तो लिखेंगे पी बी माइनस पी ए ट इज बी मोमेंटम एट दिस पॉइंट देखो मोमेंटम एट पॉइंट बी क्या है वहाँ पे ना दे, दे, देखते हुए अपन लिख सकते ये है एमयू कॉस थीटा ऑफ आई कैप माइनस एमयू साइन थी कैप हो जाएगा मोमेंटम एट पॉइंट बी माइनस लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे माइनस वॉट इज मोमेंटम एट पॉइंट एनली एमयू कॉस थीटा आई कैप तो एमयू कॉसिटाइनस एमयू थीटा आई कैप कैंसल क्या बच रहा है बेटा सिर्फ चेंज इन मोमेंटम में क्या बचा है सिर्फ माइनस एमयू साइन नेक्स्ट चेंज इन मोमेंटम बिटवीन पॉइंट कौन सा अभी निकालते ओ एंड बी क्या निकालते ओ एंड बी तो क्या निकालेंगे पीबी माइनस क्या लिख दूंगा बेटा यहाँ पे पीओ मतलब पूरा प्रोजेक्ट एन का इनिशियल माइनस फाइनल तो बताओ पीबी क्या पटो पटो बताओ एम यू कॉस थीटा

तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा यहां पे माइनस टू एमयू साइल थे तो व्हाट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम बिटवीन पी ए एंड इट इज ओनली एमयथा माइनस जेकेज मोमेंटम अगेन माइनस सॉरी एमयू साइंथेटा माइनस जेकेब तो दिशा है बेटा व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सॉरी ओ एंड बी इट इज टू एमयू साइंथेटा माइनस जेकेब तो दिशा है बेटा मोमेंटम uh, तो का मैग्नीट्यूड एम यू साइन थीटा खत्म खत्म clear है सीन अब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता है बेटा फोर्स लेकिन फिलहाल हम फोर्स पढ़े नहीं है ना तो रहने देते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं वहां तक लेकिन फील आ जाता था आपको उसका भी चलो तो दिस इज ऑल अबाउट इंस्टेंटेनियस मोमेंटम वेक्टर कि हर जगह का मोमेंटम क्या है वैसे ही फास्ट में हम निकालेंगे एनर्जी ठीक है वैसे एनर्जी है नहीं अपने को लेकिन हम एटलीस्ट हमको इतना तो बताऊंगा ना कि पोटेंशियन एनर्जीज एम जी एच कैनिडिक एनर्जीज हाफ एम वी ये दो फॉर्मूला को पकड़ के ही थोड़ा फील ला लेते हैं एक सिंपल सा टॉपिक करवा देता हूँ ज्यादा डीप में मैं जाऊंगा नहीं बस एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपको हाइट का फॉर्मूला में डिराइव कर देता हूँ जिनको लगता है कि बस ये इसका अभी फिलहाल आपको काम नहीं जो मैं अभी आपको आगे बढ़ा रहा हूँ इसका फिलहाल आपको काम नहीं है लेकिन एक थॉट प्रोसेस वाइज अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हो नहीं तो यहाँ पे भी आप

पॉइंट सेम यह लिखेंगे कांस्टेंट और टोटल एनर्जी किससे बनी होती है उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी प्लस उस पॉइंट की हम डीप में नहीं पढ़ रहे ठीक है तो मैं यहां कर लेता हूं पॉइंट ओ और पॉइंट ए तो मैं लिख देता हूं यहां कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ओ इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए

व्हाट इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए ओनली हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो वो क्या है हाफ एम यू कॉस थीटा का होल स्क्र चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे देखो हाफ एम यू स्क्वेयर इज ई टू लिखेंगे एम एच प्लस लिखेंगे बेटा एम यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू इसको इधर ले लेते तो वो होगा क्या बेसिकली हो जाएगा एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये एम Is क्या लिख सकते हैं है? यहाँ पे देखो मैं तो बोलता यहाँ पे लिख देगी अगेन एम जी एच एम जी एच ये हो जाएगा बेटा हाफ एमयू स्क्न माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा अब आईडेंटिटी देखो वॉट इज वन माइनस कॉस स्क्टा बेटा साइंस थीटा तो लिखेंगे एम जी एच इज इक्व टू हाफ एम यू स्क्वेर क्या लिखेंगे यहाँ पे साइनस स्क्टा क्या लिखेंगे साइन स्क्वेयर थीटा खत्म एम से एम कैंसिल सो इज द वैल्यू ऑफ एच ये हो जाएगा बेटा यू स्क्सर थीटा बाय क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे टू जी सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एच यू स्क्र साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू जी और अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में जब हमने वर्टिकल हाइट निकाला था तो उसका फॉर्मूला भी यू स्क्वेयर साइंसक्वेयर थी डा बाई टू जी ही आया था अभी फिलहाल हम वर्क पावर एनर्जी नहीं पढ़े इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं बस मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ़ एनर्जी यहाँ पे एक बार पोटेंशियल एनर्जी और कैनेडिक एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया और उससे एक छोटा सा डेरिवेशन अपना कि भाई हाइट वेरीफाई हो रही है कि इतनी ही आती है ये यहाँ से मैंने आपको वेरीफाई कर दिया